Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video we will start with the various scientific management techniques given by Taylor. Now सबसे पहली जो technique उन्होंने दी है वो है functional foremanship की. Foreman कौन है? ये सबसे low category का manager है. एक तरह से जो top level management है जो चेयरमैन डायरेक्टर्स वगैरह से शुरू होती है, फिर अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो मिड लेवल पे प्रोडक्शन इंचार्ज या प्रोडक्शन मैनेजर आ जाता है, फिर लोअर लेवल पे और भी ऑफिसर्स आते हैं. जो सबसे नीचे है वो है फोरमैन, सुपरवाइजर, जो वर्कर्स के ऊपर है. बस एक तरह से वो रहेगा तो फैक्ट्री में ही और वर्कर्स को ऑब्जर्व करेगा, नोट करेगा कि वो क्या काम कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करेगा. दैट इज फोरमैन. तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि फोरमैन इज लोएस्ट कैटेगरी ऑफ मैनेजर एंड हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स. वर्कर्स से ऊपर है लेकिन मैनेजमेंट में सबसे नीचे की पोस्ट पे है. एक तरह से लिंक है बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. टेलर ने ये सजेस्ट किया, ये स्ट्रेस किया कि एक फोरमैन में बहुत सारी क्वालिटीज होनी चाहिए. उसको एनर्जेटिक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, फुल्ली नॉलेजेबल होना चाहिए. फिर टेलर को ऐसा लगा कि एक आदमी में सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती, और वैसे भी अगर किसी को काम करना है तो उसको काम पे ध्यान देना चाहिए और किसी को प्लानिंग करनी है तो प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए. तो उसने क्या किया कि फ्लोर लेवल पर, यानी जहां फैक्ट्री है, जहां एक्चुअली में काम हो रहा है, वहां पर ये सोचा कि स्पेशलाइजेशन यानी डिवीजन ऑफ वर्क, स्पेशलाइजेशन को अचीव करने के लिए उसने ये सोचा कि क्यों ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और प्लानिंग डिपार्टमेंट दो अलग अलग बनाए जाए. नेचुरली जो कुछ टेलर की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं ये छोटी कंपनी में तो संभव ही नहीं, जाए एक सुपरवाइजर हो, क्योंकि टेलर ने कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग करो और प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग करो. प्लानिंग में भी 4 सुपरवाइजर लगाओ, प्रोडक्शन में भी 4 सुपरवाइजर लगाओ, यानी टोटल 8 लोगों को उसने सजेशन दिया. जैसा मैंने कहा, डेफिनेटली ये तभी पॉसिबल है जब किसी बड़ी फैक्ट्री की बात हो जहां 100, 150, 200 वर्कर्स काम कर रहे हो, तब 8 सुपरवाइजर्स लगाए जा सकते हैं. अगर 2, 4, 5, 10 वर्कर्स होंगे तो फिर एक ही सुपरवाइजर होगा ऑब्वियसली. खैर, फिलहाल हम बड़ी कंपनी के हिसाब से देखें जहां प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज किया जा रहा है, प्रॉपर हायरार्की ऑफ मैनेजमेंट है, और वहीं ज्यादा कॉस्ट कटिंग और हर चीज की एफिशिएंसी के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस के साथ ध्यान दिया जाता है. तो टेलर ने स्पेशलाइजेशन पर स्ट्रेस किया और बोला कि सारे सुपरवाइजर्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले मेनली फोकस करेंगे प्लानिंग पर और प्रोडक्शन वाले प्रोडक्शन पर. तो इस तरह से टेलर ने 8 सुपरवाइजर का कंसेप्ट दिया, विच इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर यही कहता है स्पेशलाइजेशन, हर आदमी अपने काम पे ध्यान दे. लेकिन हर चीज किसी न किसी चीज के फेवर में जाती है तो किसी न किसी चीज के अपोजिट भी हो जाती है. तो कहीं ना कहीं फंक्शनल फॉरमैनशिप, टेलर का जो ये प्रिंसिपल है, ये यूनिटी ऑफ कमांड के अपोजिट जाता है. इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे. यूनिटी ऑफ कमांड कहता है कि वर्कर्स को एक ही दिशा से इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए. अगर 8 सुपरवाइजर होंगे तो शायद यूनिटी ऑफ कमांड नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, डिवीजन ऑफ लेबर जरूर अचीव हो पाएगा. चलिए इसको पढ़ते हैं, इससे हमें और नॉलेज प्रॉपर मिलेगी. इसकी टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वीडियो नंबर 2.11. द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओनली ब्रिंग आउट द बेसिक फिलॉसफी. जो हमने 4 रूल्स पढ़े थे ना, साइंस है ना, नॉट, रूल ऑफ थम, ये सब पढ़ा हमने अभी थोड़ी देर पहले. तो ये सब चीजें क्या थी? दे आर ओनली द क्रिएटिंग द फिलॉसफी. साइंटिफिक मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, सिद्धांत क्या है. लेकिन अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स, कि इनको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, है ना, प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट किया जाए. हाउ टू इंप्लीमेंट दीज प्रिंसिपल्स प्रैक्टिकली. जो चीज हमने थ्योरी में समझी, 4 प्रिंसिपल दिए उन्होंने कि भाई सब एक दूसरे को कॉपरेट करो, सब फैमिली समझो, है, तुक्का मत मारो, एनालिसिस करके काम करो. अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करें, तो वो सब चीजें साइंटिफिक मैनेजमेंट में दी गई हैं. तो टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो 8 हैं टोटल, जिसमें से हम पहली इस वीडियो में पढ़ेंगे, दैट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप. इसमें क्या है, इट रेफर्स टू टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन. जैसे मैंने आपको समझाया अभी, वर्कर्स प्लानिंग से फ्री होने चाहिए, वर्कर्स हैं तो वर्क करें, प्लानिंग कोई और करे, राइट. तो फंक्शनल फॉरमैनशिप इज अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वॉल्व सुपरविजन ऑफ ए वर्कर बाय सेवरल स्पेशलिस्ट फोरमैन. उसका यह कहना था कि एक नहीं बहुत सारे स्पेशलिस्ट फोरमैन होने चाहिए. तो इन ए वे वी कैन से दैट दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क. अलग अलग काम अलग अलग आदमी अगर करते हैं तो स्पेशलाइजेशन होती है. फोरमैन कौन है? लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर, हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर. ये मैंने आपको समझाया. Functional foremanship is a technique which aims to improve the quality of supervision by putting workers under 8 specialist foremen. मिस्टर टेलर ने यह सजेस्ट किया कि 8 स्पेशलिस्ट फोरमैन होने चाहिए, 4 प्लानिंग के, 4 प्रोडक्शन के. उसका कहना था कि जो फोरमैन है वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड होना चाहिए. अब इतनी सारी फीचर्स बड़ा ही मुश्किल है, एक आदमी में हो नहीं सकता. तो इसलिए उसने क्या कहा कि मिनिमम 8 एक्सपर्ट को फॉरमैन बनाया जाए. 1 होना चाहिए प्लानिंग इंचार्ज और 1 होना चाहिए डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन इंचार्ज. यानी एक तरह से देखा जाए तो टेलर ने डिवीजन ऑफ वर्क के हिसाब से 2 डिपार्टमेंट बना दिए, प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. आप समझ पाए, मेनली टेलर ने सारे काम को 2 हिस्सों में कर दिया, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन. प्लानिंग में भी 4 एक्सपर्ट, प्रोडक्शन में भी 4 एक्सपर्ट. पहले प्लानिंग के पढ़ते हैं. रूट क्लर्क, रूट क्लर्क का मतलब एक तरह से डिफाइन करेगा. जैसे रूट होता है ना, फिर ट्रेन पहले दिल्ली से गाजियाबाद जाएगी, फिर वहां से मथुरा जाएगी, मथुरा से सपोज कहीं और जाएगी, लाइक दैट. ऐसे वर्कर को पहले क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है, फिर क्या काम करना है ना, क्या काम करना है एंड कहाँ काम करना है, ये सारा रूट क्लर्क. सो द क्लर्क हैज टू स्पेसिफाई द ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस. द ऑर्डर ऑफ कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर वर्क का मतलब सीक्वेंस. क्या काम पहले होगा, फिर क्या बाद में होगा, फिर क्या उसके बाद होगा. दैट इज रूट क्लर्क, है ना. देन वो डिसाइड करेगा व्हाट इज टू बी डन एंड वेयर इट इज टू बी डन. क्या होना है, कहाँ होना है, ये सारा डिसीजन कौन लेगा, रूट क्लर्क. उसके बाद एक्चुअली में काम कैसा होना है, ये होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क. ही प्रिपेयर्स द इंस्ट्रक्शन कार्ड फॉर वर्कर्स एंड हैंड देम ओवर टू गैंग बॉस. गैंग बॉस का मतलब जैसे सपोज 5 वर्कर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो उनमें से एक उनका बॉस बना दिया जाएगा, जो ज्यादा सीनियर होगा या ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, गैंग बॉस. उसको बोल देंगे भाई तुम्हें ये काम ऐसे करना है ना. यानी रूट क्लर्क ने डिसाइड किया सीक्वेंस और फिर एक्चुअली में जो वर्किंग होनी है वो हो गई इंस्ट्रक्शन के द्वारा, है ना. इसके अंदर क्या आया, इंफॉर्मेशन अबाउट नेचर एंड प्रोसीजर. मेन मैं इसके ऊपर स्ट्रेस करूंगा वर्ड प्रोसीजर के ऊपर, इसलिए मैं इसको अलग से और हाईलाइट कर देता हूं डिफरेंट कलर से ताकि आप इस शब्द की वैल्यू को समझ पाएं. मैंने पहले भी सजेस्ट किया था स्टूडेंट्स को कि जब आप मेरे साथ पढ़ें अपने असाइनमेंट प्रिंट करके हाथ में रखें, हाईलाइटर्स रखें, जिन वर्ड्स को मैं हाईलाइट कर रहा हूं आप भी हाईलाइट करें, उससे आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स किसी भी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के याद हो जाएंगे. सो इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड प्रोसीजर, काम कैसे होना है ना. यानी देखा जाए तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था सीक्वेंस, या सीक्वेंस वर्ड मैंने नहीं टाइप किया तो मैं ले लेता हूं वर्ड ऑर्डर. तो रूट कलर क्या डिसाइड कर रहा है, ऑर्डर, सीक्वेंस, और इंस्ट्रक्शन कलर क्या बता रहा है, प्रोसीजर. फिर है टाइम एंड कॉस्ट कलर. इस पर्टिकुलर काम को कितनी देर में करना है और कितनी उसकी कॉस्टिंग आनी चाहिए, ये 2 चीजें टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिसाइड कर रहा है, ठीक है. सो क्लर्क कॉस्ट, क्लर्क वर्क इज टू डिसाइड व्हेन ए पर्टिकुलर वर्क इज टू बी स्टार्टेड एंड फिनिश्ड. इन अदर वर्ड एज टू व्हाट टाइम द होल वर्क विल टेक प्लेस, ठीक है. कितना समय एक काम में लगना है ये डिसाइड होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क से, और साथ में वो कॉस्टिंग भी डिसाइड करेगा. व्हाट कॉस्ट द प्रोडक्ट विल बी प्रोड्यूस्ड, कितने पैसे में वो माल बनकर तैयार होगा. और लास्ट एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए भी एक ऑफिसर बना दिया जो कि ये इंश्योर करेगा कि काम होते वक्त प्रॉपर डिसिप्लिन है ना. ये नहीं कि गप्पे चल रही हैं, चाय चल रही है, घूमना फिरना चल रहा है, जितना जरूरी है उतना ठीक है, बाकी जरूरी नहीं है. तो ये हुआ प्लानिंग डिपार्टमेंट. प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या हुआ, रूट क्लर्क सीक्वेंस सेट की, इंस्ट्रक्शन, प्रोसीजर बताया, कितना टाइम लगेगा, कितनी कॉस्टिंग लगेगी और डिसिप्लिन के साथ काम करो. फिर आ जाता है रोल ऑफ फॉरमैन अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. अब एक्चुअल वर्किंग पे आ जाते हैं. वहां पर एक है गैंग बॉस. जैसे मैंने कहा कि वर्कर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, द वर्कर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स, और हर ग्रुप का एक लीडर, दैट इज गैंग बॉस. उसका ये काम क्या होगा कि दैट द वर्कर्स एंड मशीन्स आर रेडी. वो इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट को यानी फोरमैन को कि हाँ जी मेरे वर्कर्स भी और मेरी मशीन्स भी बिल्कुल रेडी है, और मटेरियल जो मुझे चाहिए, सिर्फ मशीन नहीं, द मटेरियल व्हिच इज रिक्वायर्ड इज आल्सो रेडी. तो सब कुछ गैंग बॉस की जिम्मेदारी होगी, फॉरमैन को इंटीमेट करना कि मेरे वर्कर्स, मेरी मशीन्स, मेरे मटेरियल सब कुछ रेडी है. स्पीड बॉस, जैसा कि नाम से ही है, वो ये देखेगा कि काम प्रॉपर स्पीड से हो रहा है. अगर कोई स्लो स्पीड है तो वो उसका रीजन फाइंड आउट करके सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा. रिपेयर बॉस, जैसा कि नाम से ही साफ लग रहा है, रिपेयर बॉस कोशिश करेगा कि मशीन्स एंड टूल्स जो है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में रखे, कोई भी चीज खराब ना हो, और इंस्पेक्टर जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के ऊपर ध्यान देगा, ठीक है। जो इंस्पेक्टर होगा वो क्वालिटी स्टैंडर्ड, हर कंपनी अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करना चाहेगी, वो चाहेगी कि उसके प्रोडक्ट की प्रॉपर क्वालिटी हो, कोई भी चीज घटिया ना बने, सब कुछ एकदम स्टैंडर्ड की हो ताकि लोग उनके प्रोडक्ट को लाइक करें। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सिस्टमैटिक वैसे वर्किंग जो है वो टेलर ने सजेस्ट की। उसका ये कहना था कि भाई जो फॉरमैन है वो वर्कर्स के साथ जुड़ा हुआ है तो उनको स्पेशलाइज्ड वे में कोशिश करने दो। सोच के देखो, अगर एक आदमी उसका काम ही सिर्फ रूट डिसाइड करना तो वो धीरे धीरे उसी काम को करते करते स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। एक आदमी सिर्फ प्रोसीजर पे काम कर रहा है, एक आदमी सिर्फ टाइमिंग पे ध्यान दे रहा है, कॉस्टिंग पे ध्यान दे रहा है, एक आदमी सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर रहा है, एक आदमी सिर्फ ये इंश्योर कर रहा है कि हाँ वर्कर्स मशीन मटेरियल रेडी है, एक आदमी का ध्यान सिर्फ स्पीड पे है, एक आदमी रिपेयर्स पर ही सिर्फ ध्यान देता है, एक आदमी सिर्फ इन क्वालिटी पर ही ध्यान दे रहा है। सोच के देखो कितना ज्यादा डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ वर्क का उसने जो है किया, और एम क्या था, स्पेशलाइजेशन अचीव करना। तो मेरे ख्याल से टेलर इसमें ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हुआ है अपनी थ्योरी को डेवलप करने में, एंड ये थ्योरी बहुत अच्छी है। फंक्शनल फॉरमैनशिप का जो उसका आइडिया है बड़ी कंपनी के हिसाब से डेफिनेटली उसने बहुत अच्छा आइडिया दिया। बजाय 8 आदमी एक ही काम के रखने के, छोटे छोटे कामों में उसने डिवाइड किया। याद होगा मैंने एलिमेंट वर्ड की बात की थी, तो हर काम में उसने क्या किया, एक सेपरेट एलिमेंट क्रिएट कर दिया और उस एलिमेंट के लिए एक अलग से इंचार्ज अपॉइंट किया ताकि हर आदमी धीरे धीरे वही काम रोज करते करते स्पेशलाइज्ड हो जाएगा और उससे एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ओवरऑल कॉस्ट कम होगी, राइट। चलिए जी, अब इसी सारे को हम एक बार हिंदी में पढ़ते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक, इसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं फंक्शनल फॉरमैनशिप, जिसको हिंदी में कहा गया है कार्यात्मक अग्रानुक्रम, ठीक है। इसमें विशेषज्ञता लाने के लिए, स्पेशलाइजेशन लाने के लिए छोटे भाग के सिद्धांत को, डिवीजन ऑफ लेबर, पूर्ण उपयोग करना संभव बनाता है। इसने कहा है कि प्रत्येक कार्य एक विशेषज्ञ को सौंपा जाए। जो भी है, एक फॉरमैन अगर हम बनाते हैं तो वो नहीं कर पाएगा, हर छोटा छोटा काम एक विशेषज्ञ को सौंप दिया जाए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कई विशेषज्ञ फॉरमैन लगाए जाएं। अभी हमने इंग्लिश में डिस्कस किया कि उन्होंने टोटल 8 विशेषज्ञ फॉरमैन लगाने की बात करी, ठीक है। एक फॉरमैन, उनका यह मानना था टेलर का, कि एक एकल फॉरमैन कभी सभी कार्यात्मक मामलों की निगरानी करने के लिए सक्षम नहीं है। एक्चुअली बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि एक ही फॉरमैन सभी कार्यात्मक मामलों की निगरानी करे, है ना। अब आप खुद ही देखो कि कितनी सारी चीजें थी, हमने ऊपर देखा है ना, क्वालिटी की भी बात थी, स्पीड की भी बात थी, रिपेयर की भी बात थी, वर्कर्स की अवेलेबिलिटी की भी बात थी, तो सारी चीजें हैं, है ना। और कितना टाइम लगना है, कितना कॉस्ट लगना है, क्या रूट होगा, क्या स्पीड होगी, सब चीजों को डिसाइड करना एक आदमी के लिए मुश्किल होगा, स्पेशली अगर कंपनी बड़ी हो, वर्कर्स ज्यादा हो, ठीक है। तो उन्होंने इसमें बेसिकली क्या किया, 2 बना दिए, एक योजना विभाग, जैसा भी हमने डिस्कस किया था इंग्लिश में भी, और एक उत्पादन विभाग। 2 डिपार्टमेंट अलग अलग बनाए और 4, प्रत्येक विभाग में 4 विशेषज्ञ नियुक्त किए, है ना, दोनों विभागों में 4-4, तो टोटल कितने हो गए, 8। अब अगर हम पहले योजना विभाग की बात करें तो योजना विभाग में उन्होंने क्या किया, मार्गलिपिक। मार्गलिपिक क्या है कि कार्य को पूरा करने का क्रम। याद होगा मैंने बोला था ऑर्डर, मैंने वहां वर्ड यूज किया था, लेकिन मेरा मन ये था कि ज्यादा अच्छा वर्ड रहता सीक्वेंस अगर हम यूज करते, तो क्रम हिंदी में अच्छा शब्द आया है ये। लिपिक को किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए क्रम को निर्दिष्ट करना होता है, यानी कि किस सीक्वेंस में वो काम होगा, पहले कौन सा होगा, फिर दूसरा क्या होगा, है ना, कौन सा कार्य करना है, कहां करना है, ये सब मार्ग लिपिक डिसाइड करेगा। फिर निर्देशक, निर्देशक का अर्थ क्या है, बेसिकली कार्य विधि, मैंने बोला था ना प्रोसीजर पर वो ज्यादा ध्यान देगा। निर्देशक, निर्देश कार्ड लिपिक का क्या काम होगा, वो निर्देश कार्ड तैयार करेगा और टोली नायक को सौंप देगा। जो भी एक टोली है 4-5 वर्कर्स की, 8 वर्कर्स की, उसका एक टोली नायक होगा और उसमें कार्य की प्रकृति, कैसा काम है, कार्य विधि, मेन क्या है, कार्य विधि, और फिर सामग्री और मशीन को कैसे यूज करना है ये आएगा। फिर अगर हम समय और लागत की बात करें तो पूरा काम किस समय होगा, मतलब कितना समय लगेगा एक काम को करने का, उसको तय करना, और उत्पाद किस कीमत पर उत्पादित किया जाएगा, मतलब कि टोटल हमारी कॉस्टिंग कितनी आएगी, ये तय करेगा समय और लागत लिपिक। इसके बाद एक अनुशासनकर्ता भी है जो ये सुनिश्चित करेगा कि जितना भी काम है वो अनुशासित तरीके से किया जा रहा है। उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी उत्पादन विभाग की बारी आती है। इसमें एक तो है टोली नायक, टोलीनाइट का ये निश्चित करना होगा कि भाई श्रमिक, मशीनें और आवश्यक सामग्री, ये सब कुछ उपलब्ध है, कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि नेचुरली तीनों चीजें चाहिए ना। सपोज वर्कर्स हैं, मशीन खराब है, मशीन है मटेरियल नहीं है तो काम नहीं होगा। इसीलिए टोली नायक का काम क्या है कि श्रमिक, मशीनें और आवश्यक सामग्री, ठीक है। उत्पादन विभाग में भी 4 फोरमैन हैं, तो जो सबसे पहला है टोली नायक, उसको ये देखना है कि मशीन, सामग्री और वर्कर, श्रमिक सभी उपलब्ध हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गति नायक ये कोशिश करेगा कि जो भी कार्य हो रहा है वो अपेक्षित गति से अपना काम करें, जो भी एक्सपेक्टेड है, स्टैंडर्ड है, उससे वो काम करें। और अगर गति धीमी है, अगर धीमी गति है तो उसके कारण का पता लगाने की कोशिश की जाएगी और उसको ठीक भी किया जाएगा। इसी तरह से मरम्मत नायक, वो ये कोशिश करेगा कि सभी मशीनें सही दुरुस्त काम करें। और निरीक्षक जो है वो गुणवत्ता की तुलना, क्वालिटी को इंश्योर करने की कोशिश करेगा। उसकी कोशिश होगी कि सब काम एकदम प्रॉपर गुणवत्ता के साथ हो, क्योंकि कंपनी ने अगर कुछ अपने मानक, अपने स्टैंडर्ड तय किए हुए हैं तो जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उसकी जो गुणवत्ता है वो निर्धारित मानक के अनुसार होनी चाहिए। डिसाइडेड स्टैंडर्ड जो हैं उसके अनुसार ही होनी चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि ये इंपॉर्टेंट मुझे कंसेप्ट लगा काफी। आप इसकी वीडियो को एक बार और जरूर देखें, 2 बार वीडियो देखने से अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। और नोट्स का प्रिंट निकालकर इंपॉर्टेंट वर्ड्स को हाईलाइट करने की आदत डालें, इससे आपके अपने नोट्स भी बनाने में आपको सुविधा होगी, ठीक है। थैंक यू।